कोरोना को हराने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, कभी अलग अलग दवाओं का इस्तेमाल तो कभी अलग अलग थेरेपी। इन्हीं में से एक प्लाज्मा थेरेपी है। पिछले साल इसकी खूब चर्चा हुई थी। कहा जा रहा था कि प्लाज्मा थेरेपी से कई कोरोना मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं, लेकिन दूसरी लहर में इस पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सवाल किसी और ने नहीं बल्कि देश के कुछ जाने माने डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने उठाए हैं। डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी को ICMR और एम्स भी भेजा गया है। इन वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा लेकर कोरोना संक्रमितों का इलाज करने को अतार्किक और गैर जरूरी बताया है। कुछ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल और इस बारे में ICMR की गाइडलाइंस तथ्यों पर आधारित नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये आशंका भी जाहिर की है कि प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल से कोरोना वायरस के ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन सामने आने की आशंका भी बढ़ रही है। इस चिट्ठी में वैक्सीनोलॉजिस्ट गगनदीप कांग और सर्जन रमेश CS समेत कई विशेषज्ञों के हस्ताक्षर हैं। चिट्ठी के जरिए ICMR के DG बलराम भार्गव और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया से दखल की मांग की गई है, ताकि कोरोना मरीजों और उनके संबंधियों का उत्पीड़न रोका जा सके, जिन्हें प्लाज्मा का इंतजाम करने के लिए बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। साथ ही अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड इंफेक्शियस डिजीजेस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की तरफ से कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के सामान्य प्रयोग के खिलाफ रिकमेंडेशन का हवाला भी दिया गया है। कुछ दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें कोरोना के लक्षण सामने आने पर शुरुआती 7 दिनों के अंदर ही प्लाज्मा देने की सलाह दी गई है। मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 7 दिनों के बाद प्लाज्मा देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। प्लाज्मा हमारे खून का ही एक हिस्सा होता है, जो कि येलो लिक्विड के रूप में होता है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना से ठीक हुए लोगों के खून से इसे लेकर कोरोना संक्रमितों के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से संक्रमित मरीज के शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अब बड़े विशेषज्ञ इस थेरेपी को सही नहीं मान रहे हैं। उनके मुताबिक ये खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।